प्रणाम नमस्कार। मैं अंकित गरवर, आप ये देख पा रहे होंगे इस वक्त विनोद भंडारी जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच चुका है। नायक विनोद थे, नायक थे, नायक के तब पोस्ट पर तैनात थे और अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखिएगा पीछे आप देख पा रहे होंगे साफ 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 तरीके से किस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रक यहाँ पे मौजूद है। लगातार सभी लोग आ रखे हैं, सभी जगह यहाँ से आए हैं। आपको पहले बता दूं, कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये आतंकी हमले में शहीद हो गए थे 5 हमारे उत्तराखंड के जो सेना थे, सेना में भर्ती थे, 5 हमारे उत्तराखंडी शहीद हो चुके हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा, वहां जरूर दिखाएगा किस तरीके से यहाँ पर वीर गढ़वाली भारत माता के वीर सपूत के नाम पर आज शहीद हो चुके हैं। ये जो क्षण है, इस क्षण को दिखाना समझाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, बेहद ही कठिन हो जाता है जब हमारे सामने फिर से ऐसे कुछ उत्तराखंड के कोई लाल शहीद हो जाते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे रेजिमेंट के, हर कोई यहाँ पे मौजूद है, गढ़वाल रेजिमेंट पे तैनात थे। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा, देखिएगा ट्रक इस वक्त आ रहा है और साथ में उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर फिर से अमर शहीद, जितने भी आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको पल पल की अपडेट्स आप देख पा रहे होंगे, शहीद विनोद सिंह भंडारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिएगा अब तमाम जो चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, लगातार उनके पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जाएगा। आगे तमाम रेजिमेंट के सभी सेना बल यहाँ पे मौजूद है और उनको सलामी देता हुआ यहाँ पर आएगा। अभी देखिएगा साथ में ट्रक में, ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा लाइव को, क्योंकि लाइव एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पकड़ के रखते हैं, आगे मिल जाएंगे। देखिएगा उनके परिजन भी उनके साथ हैं, तमाम सेना बल उनके साथ इस वक्त मौजूद है। और ये जो क्षण है ये काफी दुखदायी क्षण होता है। ये देखिएगा उनके पार्थिव शरीर को बॉक्स के नीचे निकाल दिया गया है, एक्सक्लूसिव आपको दिखाया जा रहा है। अमर शहीद विनोद, अमर शहीद नायक विनोद, अमर शहीद नायक विनोद, अमर शहीद नायक विनोद, देखिएगा आप देख पा रहे हैं मार्च में शुरू हो चुका है। कमल भाई देखिएगा आगे उनके पास शरीर को लेकर जाया जा रहा है। देखिएगा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अमर शहीद विनोद भंडारी जो कि कठुआ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के द्वारा
शहीद हो जाते हैं वो यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सलामी दी जा रही है। थोड़ा हिला रहे थे, उधर जा रहे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी उनको अंतिम विदाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव आपको लोकार्पण में दिखा रहा हूँ विनोद भंडारी को आखिरी बेटा। इससे पहले भी प्रणय मेजर प्रणय आपने देखा होगा, हरिद्वार में उनका स्टार्ट किया गया था, उस वजह से उनको भी उनके साथ भी कई लोग मौजूद थे। और आज फिर से हमारे उत्तराखंड के एक और लाल शहीद हो जाते हैं। देखिएगा तमाम जो लोग हैं तमाम चीजें आपको दिखा पाते हैं। ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर अगर आप यहाँ पे मौजूद नहीं है तो मुझे लगता है आपका एक शेयर ये जरूर जता सकता है कि आपने भी अपने एक यहाँ पर इसके गाने से जा रहे हैं यहाँ से। अब तमाम जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिएगा तमाम सेना बल यहाँ पर है। और ये पार्थिव शरीर को नीचे लाया गया है। ये दृश्य बहुत ही रुला देने वाला दृश्य इस वक्त है। साथ में उनके परिजन भी मौजूद हैं, शायद दीदी हैं, माँ हैं, और आप देख पा रहे होंगे तमाम, ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे तमाम लोगों को लेके आया जा रहा है एक साथ। यहाँ पे सब सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक ऋषिकेश के यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिएगा फिर से ये जो जनसैलाब आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जनसैलाब तभी उमड़कर सामने आता है जब मातृशक्ति हमारी देव भूमि के लिए, हमारी भारत माता के लिए जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है, और तब ये सब जनसैलाब यहाँ पे आता है। ये देख पा रहे होंगे आप, मैं आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा आपको, आगे आप चलिएगा साथ साथ, मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये देखिएगा उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद सलामी दी जाएगी और फिर माँ गंगा के कोख में उनको समर्पित कर दिया जाएगा। ऊपर जन सैलाब आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग, कैसे ये जो जन सैलाब है ये आज का नहीं, ये वो जन सैलाब है जो मातृशक्ति यानी कि हमारी देव भूमि भारत माता के लिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसे ही जब हमारे देश का एक और लाल शहीद हो जाता है तब सब लोग उनको आखिरी सलामी देने जरूर आते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी देव भूमि, अपने उत्तराखंड या फिर अपने भारत माता को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं। और संभव प्रयास का जो नतीजा होता है, जो परिणाम होता है, वो कुछ ऐसा है, वो बंद डब्बे में घर आते हैं, कफन में लिपटे हुए घर आते हैं, भारत माता के झंडे में, भारत के झंडे में लिपटे हुए घर वापिस आते हैं। और तमाम जो आप यहाँ पे जन सैलाब देख रहे होंगे, मैं गिनती भी नहीं कर पाऊंगा, शायद एक नहीं दो नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग होंगे। यहाँ पे जो दिख पा रहे हैं हमें वो अलग है, इसके पीछे भी काफी सारे लोग हैं। और तमाम मैं आपको और अच्छे से फेस दिखाने की कोशिश करूंगा, जरा कैमरा मैन को मेरे साथ आइएगा। और ऐसा नहीं कि है हमारी देवभूमि के जो सपूत हैं, जो लाल हैं, वो तमाम मौजूद हैं। और चीज़ें बहुत दुखदायी होती हैं तब जब परिणाम कुछ ऐसा होता है अपने देश की रक्षा करने का, और वो परिणाम ये सामने आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ये देखिएगा किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा सामने, थोड़ा दूर जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मगर मुझे लगता है यहाँ पर से आपको स्पष्ट तस्वीरें जरूर देखने को मिलेंगी। ये देखिएगा
विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर यहाँ पर इस वक्त है पूर्णानंद घाट ऋषिकेश में मौजूद है। टिहरी के रहने वाले विनोद भंडारी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, अपनी देवभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कठुआ से लगभग 115 किलोमीटर दूरी पर आतंकियों का एक हमला होता है, जिसमें कि 10 जवान मौजूद होते हैं। उन 10 जवानों में से 5 घायल होते हैं और 5 शहीद हो जाते हैं। पहले बमबारी करते हैं, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिस फायरिंग में विनोद भी थे और विनोद शहीद हो जाते हैं। देखिएगा, पूर्णानंद घाट पर हम सब मौजूद हैं। हर जगह आपको अभी जनसैलाब जरूर देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा और पास से दिखाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। थोड़ा नेटवर्क इशू वहाँ पे ज़रूर होता है, इस वजह से मैं आपसे थोड़ा दूर दूर चीज़ें ज़रूर कर रहा था, मगर ये देखिएगा तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब आपको मैं स्पष्ट तस्वीरें यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं और ये देखिएगा भारत माता के झंडे में लिपटे विनोद भंडारी आज हमारे बीच नहीं रहे। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, खबरों में बने ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर पर शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ये ज़रूर साबित हो जाएगा कि हाँ, आप लोग भले यहाँ पे नहीं है मगर आप भी इस सलामी में मौजूद थे। देखिएगा ये जन सहलाब, जो सहलाब है वो तब उमड़ कर आता है मातृशक्ति हमारी देवभूमि के लिए। ये देखिएगा भारत माता के लिए तमाम वीर सपूत। शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक शेयर बहुत मायने रखता है। आपको फिर से बता देता हूँ, विनोद भंडारी जो कि जाखणीधार टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, उनका कठुआ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में वो शहीद हो जाते हैं। साथ में आप देख पा रहे होंगे तमाम सेना यहाँ पे मौजूद है और साथ ही में यहाँ पे कार्पन पे तमाम एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। पल की अपडेट आप देख पा रहे होंगे इसके सामने।
कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट आपका, शेयर आपका, एक लाइक, मेरे को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर मेरी वीडियो को अच्छे उसमें पहुँचा देगा, मगर क्या कर सकते हैं कि आपका एक लाइक एक शेयर ये ज़रूर है यहाँ पर कि अगर आप एक शेयर एक लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक सहयोग यहाँ पर ज़रूर बनता है। शेयर ज़रूर कीजिएगा। लगता है उस घर में जब एक बाप अपने बेटे को, एक माँ अपने सहारे को, एक बच्चा अपने पिता को और एक बहन अपने भाई के कलाई के कलाई को छोड़े, जिस कलाई पर राखी बांधती थी, और कितना दुख होता होगा उस परिवार के लिए। एक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। पिता होगा तो कोई चाचा होगा, कोई भाई होगा, वो दिखेगा सामने, रोती भी आंखें जब इतनी खुशी हुई होगी उन्हें जब उनके भाई गढ़वाल रेजिमेंट में भर्ती होकर आया होगा, वो खुशी और आज का ये जो दुख आप देख पा रहे होंगे वही समझते हो। देखिएगा बहन, हर कोई यहाँ पर आज, हर किसी की आंखों में आंसू है, एक लाल को खोया उन्होंने अपने। ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर खींचिएगा इस लाइफ को, आपका एक शेयर बहुत कीमती है। आज एक शेयर उस माँ के लिए जिसने अपने बेटे को खोया, एक शेयर उस पिता के लिए जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई, एक शेयर उस बेटे के लिए जिसने अपने बाप को खोया, या फिर एक शेयर उस बहन के लिए जिसने अपने उस भाई के कलाई को छोड़ा। तमाम क्षेत्रीय नेता यहाँ पे मौजूद हैं। Thank you.
जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि कठुआ जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए विनोद सिंह भंडारी, उनका पार्थिव शरीर है, हम पूर्णानंद घाट ऋषिकेश में इस वक्त मौजूद हैं, देखिएगा उनका पार्थिव शरीर सामने इस वक्त है और देखिएगा बिलखता हुआ परिवार, बहुत दुख का विषय होता है ये, बहुत दुख का विषय। देखिएगा सब उनके गांव वाले पड़ोस के आसपास के सभी वो लोग जिन्होंने कभी विनोद को खेलते कूदते ज़रूर देखा होगा, शरारतें करते हुए भी देखा होगा, वो दिन भी देखा होगा जिस दिन विनोद के पास वो लेटर आया होगा कि आप भारतीय सेना में भर्ती हो चुके हैं, और कितना खुश हुआ होगा विनोद उस दिन, जब उसका परिवार भी खुश हुआ होगा। आज ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने खुशी खुशी उस टाइम पर विदा किया होगा विनोद को कि आज उसका पहला दिन है ड्यूटी का और यह आज आखिरी दिन का बिलखता हुआ परिवार, रोते हुए आंसू, यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे ऋषिकेश SDM भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी सलामी देने के लिए यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे तैनात थी, तमाम पुलिस प्रशासन सभी बल सेना थल सेना सब मौजूद है। ये देखिएगा वाद्य यंत्रों के साथ उनको अच्छी सलामी दी जा रही है, और ये तमाम परिजन आज सभी सभी फौजी रिटायर्ड फौजी सब यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपना समय दिया, जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान भी दिया है, तमाम चीज़ें करी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड से ही तमाम जो लोग हैं जो भारतीय सेना में जाते हैं कुछ ऐसा नाम कर जाते हैं भारतीय सेना में जाकर जो कि इतिहास में लिखा जाता है। मैं कहूँगा आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, ज़्यादा लोग जुड़िएगा। इसके बाद देखिएगा सामने उनके शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। ज़्यादा लोग जुड़िएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एक्सक्लूसिव देख रहे हैं लोकार्पण के साथ। Thank you.
रखिएगा। भारत माता की सेवा करते करते विनोद हमारे बीच से चले गए और माँ गंगा की कोख में जाके समाएंगे कुछ क्षणों बाद, और न जाने कितनों को माँ गंगा ने पवित्र किया। सामने देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं सभी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ से 115 किलोमीटर दूरी पर आतंकी हमला होता है, जिस आतंकी हमले में विनोद और के साथ साथ अन्य चार और हमारे पहाड़ के सपूत शहीद हो जाते हैं। यहाँ पे विनोद भंडारी का, शहीद विनोद भंडारी का यहाँ पे पार्थिव शरीर मौजूद है और देख पा रहे होंगे बाप, देख पा रहे होंगे प्रेमचंद्र अग्रवाल जो मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग दुनियाल है सलामी देते हुए विनोद भंडारी, शहीद विनोद भंडारी। चंद्र अग्रवाल ऋषिकेश विधायक की देखिए
अब सभी लोगों द्वारा यहाँ पे सलामी दी जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। सभी से निवेदन है ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उसके बाद विनोद सिंह भंडारी जी का पार्थिव शरीर को उठाया जाएगा और माँ गंगा के पावन जल में समर्पित कर दिया जाएगा। पकड़ के रखना भाई जी, ज़्यादा से शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। कुछ ही क्षणों में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेके जाया जाएगा उनके सामने। इस तिरंगे में लपेट कर विनोद आए थे, शहीद विनोद सिंह भंडारी, उनकी टोपी, उनकी बेल्ट अब उनके पिता के हाथों में सौंपी जा रही है। देखिएगा ये दृश्य रुला देने वाला ज़रूर है। ये देखिए कमांडो इससे बड़ा था, कमांडो पीछे Thank you.
चार पिता आंसू साफ करते हुए देखिएगा। और दुख का विषय होता है ये जब बाप ने सोचा होगा कि मेरे बेटा मेरी चिता को अंतिम आग देगा, तो आज जब वो हाथ से निकल जाता है तो फिर कुछ ऐसे ही दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा सामने किताब तैयार की जा रही है अभी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। देखिए ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए आपका एक शेयर विनोद के लिए एक श्रद्धांजलि ज़रूर होगी। करते भाई दूर गाड़ी।
ये देखिएगा माँ गंगा के पावन जल पर पहले विनोद शहीद विनोद सिंह भंडारी को स्नान किया जा रहा है। ये देखिए Thank you.
छुपाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, मान ही जाएगा। भाई जी ये कैसे लगा रखा है आर्मी वालों के लिए अच्छा ड्रोन आ रही है बंद करो ना, बंद करो ना, बंद करो ना।